कहते हैं ये पूरा ब्रह्मांड महाकाल की शक्तियों पे कायम है। सदियों से ये शक्तियां पूरे जगत संसार की रक्षा करते आ रहे हैं, पर जब भी कोई जीव लालच के अंधेरे में डूबकर इन्हें बस में करना चाहता है, तब यही शक्तियां काल का रूप भी धारण कर सकती हैं। और महाकाल की ऐसी ही एक शक्ति है नागमणि। जब प्यार करने वाला कोई ना हो ना, तो खुद से ही प्यार जताना पड़ता है। बट लकीली मेरे पास है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड। एक ना आप ही हो जिसको मेरा बर्थडे याद रहता है ना याद? कल मैं 20 की हो जाऊंगी और देखो मैं आपके लिए बर्थडे ट्रीट भी लाई हूँ, खुद अपने हाथों से बना के। आज से 20 साल पहले आप ही के मंदिर के बाहर पड़ी हुई मिली थी मासी को, तब से ही प्यार से नाम रख दिया शिवाली, यानी शिव की लाडली। हूँ ना मैं आपकी लाडली। लगता है वो वक्त आने वाला है जब हर अनहोनी कहर बन के बरसेगी। आज पूरणमासी का चमकता चांद कोई तो कयामत लेके आएगा, पर मुझे अपनी शक्तियां हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, ना तो ये गंधर्व नक्षत्र वाली लड़की और ना ही उसका वो जन्म पुराना हमसफर। What? आज भी आना पॉसिबल नहीं होगा क्या यार? अब तो रोज का हो गया तुम लोगों का। ठीक है, किससे बात कर रहे हो? मेरी भाभी से। आई विश, डिलीवरी गाय का कॉल था, कह रहा है आज भी नहीं आ पाएगा मेरा ट्राइपॉड लेके। क्या यार आप भी दिन भर शूट शूट शूट, अपनी शक्ल देखो, बुड्ढे होते जा रहे हो, कल को ना कोई लड़की भी नहीं देगी आपको। क्या नहीं देगी? अरे भाव। तुझे भी उस महक के सिवा भाव देता कौन है? वैसे ठीक ही है, अपने जैसा ही मिला है तुझे। यू क्रेजी ब्रो, वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स, सब समझ में आता है मुझे। अच्छा अब मेरी छोड़ो, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। क्या? आज फुल मून नाइट है, यानी कि पूरे चांद की आधी रात। देखना आज ही आपको वो मिल जाएगी। कौन? चुड़ैल? अरे नहीं यार, आपकी जीवन संगिनी। लॉल,
देख कोई डरपोक होगी, कहीं किसी के डर से पैर दबा के चल रही होगी। सब सॉरी मॉरी से काम नहीं होगा। बोल कोथाई गई चली सकल सकल बोल। अरे अरे मासी मैं तो उधर जंग जंगल गई चली शिव जी के पास। तू कब कहा कहने जास हमें सब समझता है। अरे मेरे बंगाली डिटेक्टिव अब बस भी करो। क्यों बस करो? तू दो मिनट हमारा साथ नहीं रहता है, हमारा हालत बहुत खराब होती है। ऐसा क्यों? तू छाड़ा और कौन है हमारा ये दुनिया में? अरे मेरी प्यारी सी मासी, ज्यादा इमोशनल मत हो, हमें होम डिलीवरीज भी करनी है वरना पेट कैसे चलेगा। हट बदमाश। शिवाली शिवाली। हाँ मासी बोलो। और टिफिन का बड़ा डब्बा किधर है जिसमें खीर डिलीवरी करना है सुबह में? अरे देखो ना इधर ही कहीं। की होलो रुक क्यों गई बोल। सुबह ही उसमें शिव जी के लिए मिठाई लेकर गई थी और गलती से वही फेंक कर चली आई। हे भगवान डिलीवरी कैसे होगा? रुको रुको मैं अभी लाती। अरे इतनी रात को? कल डिलीवरी भी तो करनी है ना। हे भोलेनाथ उस पगली टाके देखो। बापरे कितनी ठंड है, इतनी रात को निकलना ही नहीं चाहिए। बट नहीं, सब सेलिब्रिटी लोग हैं, रात को ही मीटिंग करना है। वो डब्बा अगर नहीं मिला ना तो कल सुबह की डिलीवरी कैंसिल। हे शिव जी मिठाई तो खा लिया आपने, अब बस मेरा डब्बा लौटा देना। ये तो किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज है। ओ मैन कोई मुसीबत में होगी शायद। बचा लो मुझे उस सांप से बचा लो। किधर है सांप? प्लीज मुझे। अच्छा वेट मैं देखता हूँ। आराम से। डोंट वरी इन नागनागिनों से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। अरे जाना यार, लड़की के सामने बेइज्जती कराना है क्या? कुछ बोल रहे हो तुम? नहीं नहीं सांप भगाने का मंत्र पढ़ रहा हूँ। गया। थैंक यू। यू आर वेलकम मिस शिवाली। एंड यू? सौविक। बाय द वे इतनी रात को हाथ में डब्बा लेके कौन घूमता है? लंबी कहानी है। दो तीन लाइन में सुना सकती हो? सुबह को मैं ये डब्बा शिव जी के पास छोड़ के गई थी और घर में मासी होम डिलीवरी सर्विस चलाती है तो डब्बा इम्पोर्टेंट है, अब समझे? बट डब्बे में क्या था? शिव जी के लिए मिठाई। अच्छा किस खुशी में? कल मेरा बर्थडे है, मुझे तो विश करने वाला कोई है नहीं। मतलब? मासी के अलावा मेरा और कोई नहीं है। अब उनके सर में ऑलरेडी इतना टेंशन है तो उनका मेरा बर्थडे कैसे याद होगा? इसलिए मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी शिव जी को मेरा एडवर्स बर्थडे ट्रीट देने आई थी। शिवाली
हैप्पी बर्थडे। तो पूरे हैं हम देश बापूत नंद शाम है। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये दोनों अगर मिल गए तो कयामत को आने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है अब उसे बुलाना ही पड़ेगा। विष्कर्ण दोष का काल रूप है, भूत दश दाम कर्ष मृत्यु का स्वरूप है। आज अचानक ऐसा क्या हो गया जो अंधकार के राजा कालक्ष को मेरी याद आ गई? मुझे तुम्हारी नहीं, तुम्हारे विष की जरूरत है। हुकुम कीजिए, किस बदनसीब के रगों में भरना है ये विष? शिवाली। रात बहुत हो गई, अब मुझे चलना होगा। मासी घर में टेंशन में होगी। सुनो। हाँ? रात बहुत हो गई है और तुम अकेली शायद नहीं जा पाओगी, तो मैं छोड़ के आऊं? आदत है मुझे अकेले चलने की। जाने की बात ना करो, यूं ही दुआओं में रहो। तुम जो मिले हो यूं मुझे, अब तो खुदा से ना डरो। साथी मेरे मेरे सनम, तुझसे ही तो पूरे हम। मुझे पता था आप भूल जाओगी। क्या भूल जाऊंगी? ये ही कि आज मेरा बर्थडे है और आज मैं 20 साल की हो जाऊंगी। अरे मासी क्या हुआ? तू कोथाओ जा बिना, कोथाओ मेरा बिना। मासी पर डिलीवरी? चुप बोल छी तो। आज तू कोथाओ जा बिना। मासी अंदर चलो, आराम करो। कोथाओ जा बिना, अंदर चलो। कोथाओ जा बिना, मैं नहीं जाऊंगी। तौबा तौबा इंसानी दुनिया, क्या महक है तेरी हवाओं में। पर इस दुनिया के जीवों में मैं अपनी मर्जी से तो विष घोल नहीं सकता। उसके लिए उन्हें पहले मुझे छूना पड़ेगा। पर एक बिच्छू को कौन छूना चाहेगा? अब आएगा मजा। ये बिच्छू तो बड़ा ही तेज निकला, लगता है सही जाएगा।
मासी ने तो मना कर दिया, और ये डिलीवरी अगर नहीं हुई मासी का भी बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो तो अभी सो रही है। हाँ, मैं जल्दी से जाकर ये डिलीवरी करके आ जाती हूँ। हेलो, कौन? अरे मैं बोल रहा हूँ। मैं कौन? तुम महक। ओ अच्छा, उज्जल बोलो। अरे कैसे पहचाना? ऐसे घटिया जोक्स तुम्हारे अलावा और मार कौन सकता है? अरे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। अच्छा हम लोग मिल कब रहे? क्यों, फिर से कोई भूत प्रेत वाला केस सॉल्व करना है क्या? अरे नहीं नहीं, भूत प्रेत के अलावा भी हम लोग ऐसे मिल तो सकते हैं ना? हाँ मिल तो सकते हैं। बाय द वे ब्रो कैसे हैं? अरे उनकी बात छोड़ो, वो तो अपने ही मजे में। अच्छा तुम्हें पता है, हो पत्तों में शाखों में दिल की सलाखों में बसती है जो मैं सागर हूँ मेरा किनारा तू, मैं बरसात हूँ मेरी धारा तू, कर खुद से तू मेरी सिफारे। हे शिव जी, वक्त रहते ये डिलीवरी तो हो गई, अब बस मासी के उठने से पहले मुझे घर जाना होगा। शिवली कोथाय? शिवली, शिवली, अरे बर्थडे गर्ल तो आज गिरते गिरते बची। हाँ, थैंक यू। हम पर दोस्त को थैंक्स नहीं बोलते। बड़ी दोस्ती हो रही है आजकल, वो भी मुझे बिना बताए। शिवाली मेरा छोटा भाई उज्जल। छोटे शिवाली मेरी नई। आपकी नई दोस्त? अच्छा गाइस, मुझे ना जल्दी से घर जाना होगा क्योंकि घर में मासी। आपको बड़ा पता है। ओए बाय द वे, आज इसका बर्थडे है, विश नहीं करेगा? ओ, हैप्पी बर्थडे भाभी शिवाली जी। अच्छा बाय। अच्छा ये चल के घर जाएगी क्या? तुझे क्या, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉब्लम हो सकता है। बार मना किया था, फिर भी वो चले गलो। आज और 20 साल का जन्मदिन, आज ही वो काली रात। हे भोलेनाथ, ओके रक्षा करो, ओके रक्षा करो भोलेनाथ। आ गई हमारी चिड़ैया, एक्शन। कौन? अरे ठीक तो है ना? मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। छूले मुझे, जल्दी से छूले, छूना। अरे हाथ हटाइए। Ah!
शिवजी मुझे बचा लो। जटाटवी गलज्वलप्रभास्तले गले ये सांप मुझे बच रहा है। तो मेरे सबसे जहरीले मोहरे को ही मार गिराया। नहीं, मैं अब और जोखिम नहीं उठा सकता। लगता है कालक्ष को खुद ही मैदान जंग में उतरना पड़ेगा। नाग
इसीलिए डर रही थी। और माँ से भी तो घर में अकेली है शायद। चल हो गया। एक और प्लीज। क्या छोटे, लास्ट एक घंटे में तू 150 से ज्यादा फोटोज क्लिक करवा चुका है। यार ब्रो, आप तो हमेशा शूट पे बिजी रहते हो, मुझे फोटो क्लिक करवाने का मौका ही नहीं मिलता। आज इतनी मुश्किल से मौका मिला, आप प्लीज पिक खींच दो ताकि मेरा 6 महीने का स्टॉक कंप्लीट हो जाए डीपी और कवर पिक्स का। पागल। चल ठीक है, पर 2 बजे से शूट भी करना है, याद रखना। हाँ। मासी, आप इतना गुस्सा मत करो, आपका प्रेशर हाई हो जाएगा। बोल भी ना। ओ मासी हो तेरी माँ तो ना। मासी आप ऐसा मत बोलो। मासी ताले बोल, क्या छुपा रही है, कुथे छिली कल सारा रात। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। Excuse me. Can you click me a picture? Yeah, sure. अरे कौन आ गया उल्लू का भट्टा? लक्ष्य। तुम कहां से आए हो? जमीन के नीचे से। व्हाट? अरे तुम तो ऐसे चौके जैसे कुछ दिन पहले ही तुम लोग मुझे जमीन के नीचे दफना के आए थे। Jokes about I'm from Lucknow. Photo? Yeah. I'll pick it with my camera. पर वो मुझे कैसे मिलेगा? WhatsApp? Yeah, sure. पीछे जाओ। कल जब मैं डिलीवरी करने गई थी तब एक बिच्छू ने मुझे पकड़ लिया। पता था जे सत्यि आमि 20 साल से लुकिए रेखेछि ओ आज सामने आ गई। थैंक्स गाइस, आई थिंक आई शुड लीव नाउ। किधर जाओगे? इधर उधर ही थोड़ा घूम के देखना था। वैसे तुम लोग क्या ये फोटोग्राफी वगैरह ही करते हो? वी आर यूट्यूबर्स।
वाओ दैट्स अमेजिंग। तुम्हें इंटरेस्ट है इन सब चीजों में? बहुत ज्यादा। तो तुम आ सकते हो शूट देखने कल दोपहर को? एब्सोल्युटली डन, मिलते हैं फिर। पता था ये सब? अमी जानी तोरा असली माँ बाप कौन है और उनकी मौत कैसी हुई? ऐसी बताओ मुझे मासी। फिर वही पे चल जहाँ सब कुछ हुए छिलो। किधर क्या हुआ था? तू जी शिवलिंगों के रोज पूजो करते जास, उसी के पास तेरी माँ की मौत हुई थी। आज से 20 साल पहले एखने सब कुछ शुरू हुए चिलो। तेरी माँ चंडिका एक बहुत शक्तिशाली नागिन चिलो। ও ইনসানি রূপ নিয়েছিল নাগমণিকে রক্ষা করার জন্য। তুই তখন 10 দিন কি ছোটি সি বাচ্চি ছিলি যখন তোর বাবাকে মত হয়েছিল। কি বাত হে, চন্ডিকা এখানে কেন ডাকলো? দিদি, मेरी बेटी शिवाली एकदम तुम्हारी जैसी मुखाना, पर क्या ये भी? हाँ, ये भी मेरी ही तरह एक इच्छाधारी नागिन है, पर इसके पास अभी कोई शक्तियां नहीं है। नागियों की सारी शक्तियां इसको अपने 20 साल के जन्मदिन में ही मिलेगी और तब तक इसे आपको ही संभाल के रखना होगा। मतलब? दीदी मैं आपको भी कुछ नहीं समझा सकती, वो अभी आता ही होगा। कौन? जिसने इसके पिता की हत्या की है। मेरी सारी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही है, अभी ना मैं उससे अपनी बेटी को बचा पाऊंगी और ना ही खुद को। इसे आपको ही बचाना होगा। चंदा चमके चुपके से आए, माँ की आंखों से आंसू चुराए, सारी जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि मुझे पता है इस पूरे मनुष्य लोक में एक सिर्फ आप ही हो जो इसे अपने माँ से भी ज्यादा प्यार दे सकती है। माँ की ममता ना सही, पर मासी के आंचल के साए में बड़ी होगी मेरी बेटी। दीदी आप इसको लेके भाग जाओ, वो अभी आता ही होगा। और चंडिका तू? दीदी आप मेरी चिंता मत करो, मेरे साथ वही होगा जो मेरे भाग्य में लिखा है, पर मेरी बेटी का भाग्य वो अभी आपको ही लिखना है। जाइए दीदी, चले जाइए। मेरा सूरज भी तू, मेरा तारा भी तू, रूठे उजड़े से दिन का गुजारा भी तू। भारी तूफान में उलझी है
तब वो आया तेरी माँ की जान लेने के लिए। अपनी मौत से भी भला कोई बच पाया है क्या? मौत से मुझे डर नहीं लगता है, डर ना तो तुझे चाहिए भोलेनाथ से, वो तुझे अपने कर्मों की सजा जरूर देगी। वैसे कहाँ है तेरा भोलेनाथ, तेरे को बचाने क्यों नहीं आया? अगर भोलेनाथ ने मेरे किस्मत में मौत लिखा है तो वो मौत मुझे मंजूर है, पर तेरे जैसे पापी के आगे झुकना बिल्कुल नहीं। तेरे इन अदाओं का ही तो दीवाना हूँ मैं। अगर तू अपनी बेटी को मेरे हवाले कर देती तो शायद तेरी जान भी बख्श देता मैं। तेरी बेटी से मुझे नागमणि मिल जाती और वो भी मिल जाता जो तुझसे आज तक नहीं। गंदी जुबान पे मेरी बेटी का नाम भी मत लाना, देखना एक दिन वो तुझसे तेरे सारे पापों का फल गिनवाएगी और मेरा बदला भी लेगी। ए, तेरी इतनी हिम्मत जो कालक्ष में वार करे, तेरी बेटी को तो मैं ढूंढ ही लूंगा, वरना मेरा जादुई आईना किस काम का? फिलहाल तो मुझे तुझे तड़पता हुआ देखना है। पाप का हिसाब देना पड़ेगा तुझे, मेरी बेटी अपनी माँ बाबा की मौत का बदला जरूर लेगी। और तू भी तड़पेगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। कौन था? जानी ना, पर उसने काला कपड़ा पहना था। अमीर दूटो जिनिस देखे चिला मुं। क्या? और हरे रंग के आंखें और शेर वाली अंगूठी। वो जो भी था, अब मरने के लिए तैयार हो जाए। अगर वो काली शक्तियों का राजा है तो मेरे पास भी है मेरे भोलेनाथ के आशीर्वाद। उसने अपनी काली शक्तियों को जगाने के लिए एक नागिन को मारा था ना, अब उसकी बेटी ये वचन लेती है कि उसको भी वैसे तड़पा तड़पा के मारूंगी जैसे उसने मेरे माँ बाबा को मारा था। ब्रो, आपको क्या लगता है वो आएगा? या आई होप सो, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा कनिष्ठ लगता है। अरे हाँ, आंखें आवाज सब कुछ इतना सेम, इजंट इट इम्पॉसिबल? व्हाट्स इम्पॉसिबल?
अरे तुम आ भी गए? क्यों, तुम्हें शक था? अरे नहीं नहीं, हमें पता था कि तुम आओगे। अरे वाह, तुम लोगों तो बहुत कुछ पता चलने लगा है। लगता है मुझे अपना सीक्रेट्स थोड़ा और संभाल के रखना पड़ेगा। सीक्रेट्स? या डार्क सीक्रेट्स? मंजिल तो अपने दिखा दिया, अब रास्ता भी आप ही दिखाइए। सालों पहले वो अन्याय भी आप ही के सामने हुआ था ना, तो अब इंतकाम की ये दास्ता भी आप ही को लिखना पड़ेगा। शिवाली, कौन? इधर देखो, नीचे। मैं हूँ दंशिका। तुम बोल सकती हो? हाँ, पर इससे पहले मैं तुम्हें कभी सुन क्यों नहीं पाई? क्योंकि तब तुम एक इंसान थी, पर अब तुम मुझे सुन सकती हो। मुझे तुम्हें शुक्रिया कहना था, उस दिन तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दिया। अभी इन सब चीजों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तुम्हें अपना मकसद, अपना इंतकाम पूरा करना है। मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बातें बतानी है। अच्छा, इसीलिए तुम बार बार मेरे सामने आती थी? हाँ, अब सुनो, तुम कोई मामूली नागिन नहीं हो, तुम पे गंधर्व नक्षत्र का साया है। तुम्हारे गंधर्व नागवंश का कर्तव्य है नागमणि की रक्षा करना, और तुम में भी वो शक्तियाँ है जिसके बल पर तुम जब चाहे नागमणि को प्रकट कर सकती हो। और उससे क्या होता है? नागमणि में शिव जी की शक्तियों का वरदान होता है, इन शक्तियों से तुम किसी भी नामुमकिन को मुमकिन बना सकती हो। मतलब यही कि नागमणि की मदद से तुम अपने शत्रुओं को ढूंढ सकोगी और अपना मकसद भी पूरा कर सकोगी। आज दिन के दूसरे पहर तक गंधर्व नक्षत्र का पर्व रहेगा, और इसी बीच तुम चाहो तो शिवजी से प्रार्थना करके नागमणि को प्रकट करवा सकती हो। तुमने जो आज मेरी मदद की है ना, वो कोई और नहीं कर सकता था, पर इन सब चीजों से पहले मुझे एक बार मासी से मिलना होगा। अच्छा ठीक है, पर याद रखना, दिन का दूसरा पहर। वैसे सोविक, तुम तो सबके फोटोज क्लिक करते रहते हो, लाओ मैं तुम्हारा कर देता हूँ। अरे नहीं नहीं, इट्स ओके, आई विल डू इट। क्या खेल रचाता है रितु, इसी का तो इंतजार था। क्या यार? ए मैडम, ऐसे जा रही हो जैसे देखा ही नहीं। ओह तुम। बाय द वे, किधर जा रही हो, कोई काम है? क्यों यार, दैट वाज रूड। मतलब परेशान हो, कोई बात है? देखो सौविक, अभी मैं इन सब सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। बट देखो, हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं, इसीलिए हमारा दूर रहना ही सही है। बट ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। बाय द वे, छोटे से तो मिलती जाओ, और देखो हमारा एक नया दोस्त भी आया है, चलो। लक्ष्य, मीट माय फ्रेंड शिवाली। हाय, आई एम लक्ष्य।
और कैसी हो आप? ठीक हो, पर अभी मुझे जाना होगा। आज भी? आपका तो हर दिन सेम है यार। आज का दिन बहुत अलग है। हाँ, आज का दिन तो अलग होगा ही। गंधर्व नक्षत्र का पहर जो आया है, अब ये पहर गुजरने से पहले ही मुझे तेरी मदद से नागमणि हासिल करना ही होगा। शिवानी! अरे अरे, अचानक ऐसे कैसे हो गया यार? इसे तो ट्रीटमेंट की जरूरत है। सुनो, पास में मेरा घर है, हम लोग वहाँ पे चलते हैं। थोड़ा बर्फ वगैरह लगा लेंगे। Relax guys, it's absolutely fine. No, it's not. चुपचाप चलो हमारे साथ। हे भोलेनाथ, क्या हो गया मेरी बच्ची को? जब से उस जन्मदिन गेछे तब से हंसना ही भूल गई। पहले मेरी बच्ची कितनी हंसती थी। मासी, आज मैं अपनी बच्ची के लिए खीर बनाऊंगी। माँ की आंखों से आंसू चुराए। मासी, अरे क्या हुआ? इरा काड़ा? मासी, मैं सब आपको बाद में बताती हूँ। इसको बहुत ज्यादा चोट लगी है, अब जल्दी से जाके बर्फ लेके आओ। हाँ, आंची। चलो। तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा ना? पहले फर्स्ट एड कर लेते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब को बुलाएंगे। रिलैक्स गाइस, आई एम ऑल राइट। ये आवाज कहीं पे तो सुने थी, मगर कहा? लक्ष्य, तुम थोड़ा आराम कर लो। अच्छा अच्छा, ओके, अंदर नहीं आए। चलो चलो चलो। अरे तुम लोग भी अंदर आओ। अरे जीते रहो बेटा। मासी, मैं सौविक, शिवाली का दोस्त। और मैं इनका छोटा भाई उज्जल। आपके बारे में बहुत सुना है, आपको देखने का बहुत मन था, और आपके हाथ का खाना खाने का भी। और मुझे भी। कितने प्यारे बच्चे हो। मासी, सुला दिया उसको? हाँ, पानी दे के आओ क्या? ना ना, मैं ही लेके जाती हूँ। अम्मी आज जी। हाँ। मासी कितनी प्यारी। हाँ। है ना? तुमसे भी ज्यादा। हाँ, मुझे पता है। बाबा, अभी तबीयत कैसी है? उफ, अब बस क्या बताऊँ। आप टेंशन मत लीजिए, छोटा सा ही तो चोट है। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। चिंता तो मुझे अपनी मौत की भी नहीं, और आप ही बताओ, अपनी ही मौत से भला कोई बच पाया है? अपनी मौत से भला कोई बच पाया है? शिवा भूत दंड भेद शाम है।
है। काम क्रोध दोष काम काल रूप है, भूत दर्श दाम कर्ष मृत्यु का स्वरूप है। शिवली, क्या हुआ मासी? आप इतने टेंशन में क्यों हो? अमर तो के कुछ पता ना है। अरे आप बैठो तो पहले। ना ना, अमी बोसबो ना, तू सुन। ओई लक्स, ओई तो सेई दुश्मन। उसके आंखे, अंगूठी, उसके आवाज, अमी कखनो भूलबो ना, अमी कभी भी भूलबो ना। ওইখানে জরুর কোনো মকসদে এসেছে। বিলকুল স্যার। কবি কবি সচ জানকর ভি ছুপা কে রাখনাই বেহতর হোতা হ্যায়। ইস উমর মে ইতনি ভাগা দৌড়ি सही नहीं। जाने दो मुझे, जाने दो। चलो एक खेल खेलते हैं। कर बक्कर बम्बे बम। मासी, क्या बात है डॉक्टर साहब? मुझे लगता है हाइपरटेंशन एंड लो बीपी की वजह से इन्हें सडन ब्लैकआउट हुआ था, तो शायद इसीलिए बैलेंस होके गिर गई। अभी कैसी हालत? तो हर कंडीशन इज क्रिटिकल। क्रिटिकल शायद ब्रेन हैमरेज हुआ है। फिलहाल हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब शायद कोई चमत्कार इन्हें ठीक कर सकती है। चलता हूं। चलिए, मैं इनको छोड़ के आता हूं। डॉक्टर साहब, पाप दूत दंड भेद शाम है, दुष्ट घोर दाम दूर का लक्ष्य नाम है। अरे यार, 2 बजे अपॉइंटमेंट है, कहीं लेट तो नहीं हो जाऊंगा ना? चल लौट जा अपनी क्लिनिक पे, कुछ देर बाद खुद ही ठीक हो जाए। अब बस एक ही चीज है जो मासी की जान बचा सकती है, नागमणि। नागमणि में शिव जी की शक्तियों का वरदान होता है। अब शायद कोई चमत्कार इन्हें ठीक कर सकती है। और तुमने भी वो शक्तियाँ है जिसके बल पर तुम जब चाहे नागमणि को प्रकट कर सकती हो। हे भोलेनाथ, मुझे माफ कर देना, पर मासी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। हाँ।
किधर जा रही हो? इट्स ओके अगर तुम बताना नहीं चाहते हो। सौविक, क्या मुझसे एक वादा करोगे? बोलो। जब तक मैं लौट के ना आऊं, मासी का पूरा ध्यान तुम्हें ही रखना होगा। वादा करो मुझसे। जाने की बात ना करो, यूं ही दुआओं में रहो। तुम जो मिले हो यूं मुझे, अब तो खुदा से ना डरो। साथी मेरे मेरे सनम, तुझसे ही तो पूरे हम। साथी मेरे मेरे सुन, तुझसे ही तो पूरे हम। वो कहाँ गई? पता नहीं, उसको अकेले जाने देना सही नहीं होगा। मैं उसके पीछे जाता हूँ। महेश्वर, हे देवों के देव महादेव, ये कैसा खेल रचाया है आपने? मेरी मासी, जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, आज उन्हीं के साथ आप इतना बुरा कैसे कर सकते हो? हर होनी अनहोनी आप ही रचाते हो ना, अब इसका प्रतिकार भी आप ही को करना पड़ेगा। आज इस गंधर्व नक्षत्र के पहर में नागमणि को प्रकट करना ही पड़ेगा। कोटी कोटि प्रणाम। ये नागमणि आपकी अमानत है और मैं वचन देती हूँ, अपना मकसद पूरा होते ही मैं इसको वापस आपके चरणों में अर्पित करके जाऊंगी। जय भोलेनाथ। तुम नागिन हो? ये मेरी जिंदगी का एक सबसे बड़ा राज है जो कि आज तुम्हें पता चल गया। पर ये सब और कोई नहीं जानता, और जानना भी नहीं चाहिए। प्लीज डोंट वरी, तुम्हारा राज
मेरा राज। वैसे ये नागमणि है ना? तुम्हें कैसे पता चले इसके बारे में? सच बताऊं तो मुझे ऐसे हिस्टोरिकल चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और वैसे ये नागमणि के बारे में मुझे अरसों पुरानी किताबों से पता चला। जो भी हो, मुझे अब जल्दी से घर जाना होगा, क्योंकि मासी को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बाकी है। शिवाली, क्या हुआ? मुझे नागमणि के बारे में एक और चीज पता है। नागमणि जैसे जान बचा सकती है, वैसे ही कमजोरों की जान ले भी सकती है। मतलब यही कि नागमणि को तुमने अभी अभी जागृत किया है, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि इससे कितनी ताकतवर ऊर्जा निकल सकती है। पर मासी की इस नाजुक हालत में एक छोटी सी गलती भी जानलेवा हो सकती है। नहीं, मासी को मैं कुछ भी नहीं होने दे सकती, पर मुझे कैसे पता चलेगा? एक रास्ता है। क्या? बोलो लक्ष्य। हम इसे मेरे गांव में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ये नहीं हो सकता। मैं अपने मतलब के लिए तुम्हारी जान जोखिम में नहीं डाल सकती। काल पे भरोसा रख, मतलब महाकाल पे भरोसा रखो। मैं तो इतना दर्द सह सकता हूँ मासी के लिए। भोलेनाथ, रक्षा करना। कर रहे हो तुम? अगर मंजिल खुद चल के आए तो क्या तुम भी ऐसे ही नहीं देखोगे? मतलब अंधकार के राजा कालक्ष को सलाम नहीं करोगे? सदियों से मैंने इस मणि के लिए क्या कुछ नहीं किया, और इसे आज तूने खुद मेरे हाथों में दे दिया। ना बड़ा धोखा। हे भोलेनाथ, ये क्या कर दिया मैंने? अरे रे 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 रे, अब वो भोलेनाथ भी कुछ नहीं कर सकता। अब जो भी करेगा कालक्ष करेगा। आज तुझे भी वैसे ही तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ जैसे बरसों पहले तेरी माँ को तड़पाया था। क्या? हाँ, मैं ही हूँ जिसने तेरे माँ बाबा को तड़पा तड़पा के मारा था। हंस ले, जितना चाहे उतना हंस ले, क्योंकि इसके बाद ये नागिन तुझे खून की आंसू रुलाएगी। इसी में इतना गुस्सा? अभी तो ताजा खबर सुनाया ही नहीं। तेरी वो मासी, उसे मैंने ही छत से गिराया था, वरना मुझे नागमणि मिलती कैसे? पापी, तेरे जैसे शैतान को इतनी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखती रह जाए। अब इस नागिन के इंतकाम की आग में तेरी रूह भी जल जाएगी। अरे तू बेवकूफ है, ये तो पता था, लेकिन इतनी बड़ी नादान निकलेगी ये तो कभी सोचा नहीं था। जिसके पास नागमणि की शक्तियां हो, उसे कोई और शक्तियां छू भी नहीं सकती। चल, तड़पने के लिए तैयार हो जा, अपनी माँ बाबा और मासी की तरह। हे भोलेनाथ, इस बुराई की आपको ही मिटाना है, वरना अच्छी शक्तियों से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अब तुझे भोलेनाथ भी नहीं बचा सकते, तुझ पे काल का साया जो पड़ा है।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेचारी नागिन, कैसी कीड़े मकोड़ों जैसी मौत मरी है। चल तेरे भोलेनाथ के सामने तेरी समाधि भी कर देता हूँ। ऐ मेरी नागबनी, क्या क्या करना पड़ता है तेरे लिए। उधर किसी नागिन को मार के आया तो इधर किसी को उसका भेंट देना है। कहाँ हो? सामने तो आओ। अगर आज तुम ना होती तो इस मनी तक कैसे पहुंचता। बचा लो मुझे, उस सांप से बचा लो। ये सांप मुझे बचा रहा है। तुमने जो आज मेरी मदद की है ना, वो कोई और नहीं कर सकता। आज तक मुझे लगता था कि मैं ही सबसे बड़ा खिलाड़ी हूँ, लेकिन तुम तो इस जहरीली खेल में मुझसे भी आगे निकली। उस शिवाली को तुम पे सबसे ज्यादा भरोसा था, तुमको अपना दोस्त मानती थी, लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि यही दोस्त दुश्मनी करने में इतनी माहिर। बातें तुम कुछ ज्यादा नहीं कर रहे, असली काम क्यों नहीं करते। अरे अरे, तुम तो अभी से हुकुम चलाने लगी, फिर अपनी असली रूप में आने के बाद क्या क्या करोगी। वो तभी देख लेना, फिलहाल मेरी काली शक्तियाँ मुझे प्रदान करो। जो हुकुम। बड़े दिनों के बाद वापस आई, कहीं ये जालिम दुनिया मुझे भूल तो नहीं गई। तुम जैसे जहरीली शैतान को कौन भूल सकता है सुंदरी। सुंदरी की चाल से चाल जैसे आया, अंधकार से भी देखो काली उसकी माया। मर के वापस आने पे कोई ज्यादा खूबसूरत हो जाता है क्या। मर के देखना चाहोगे। सुंदरी को देख के होश उड़ गए क्या। हाँ बिल्कुल, पर इस होश उड़ाने वाली का असली चेहरा देखने का बड़ा मन कर रहा है। सुंदरी तो तुम हो नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपने जादुई आईने में देखा था कि वो नागमनी के वार से कैसे तड़प तड़प के मरी थी। और नागमनी के वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। तो अब ये आंख मिचौली खत्म करो और अपना असली रूप दिखाओ दंशिका। Oh!
जो खुद इतनी सुंदर है उसे सुंदरी बन के आने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारी नजरों का इम्तिहान ले रही थी कि वो दंशिका की नजरों के साथ मिलने लायक है भी या नहीं। ये मत भूलो कि मैंने ही तुमको ढूंढ के निकाला था इस पूरे खेल को अंजाम दिलाने के लिए। तुम्हारा पहला काम था शिवाली का भरोसा जीतना और तुमने ठीक वैसा ही किया। मेरे ही भेजे हुए बिच्छू से लड़कर तुमने पहली बार में ही शिवाली का दिल जीत लिया। बस बीच में से बेचारा बिच्छू बेमौत मारा गया। नागमणि पे ऐसी हजारों जाने कुर्बान। शिवाली तब नई नई नागिन बनी थी और उसे नागमणि के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए मैंने उसको सब बताया और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। और देखो आज ये नागमणि हमारे हाथों में है। अब एक इच्छाधारी नागिन यानी तुमसे काल प्रसन्न पूजा करवानी पड़ेगी और फिर इस मणि की मदद से मैं बन जाऊंगा सर्वशक्तिशाली। यानी हम दोनों बन जाएंगे सर्वशक्तिशाली। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारा चेहरा किसी के साथ बहुत मिलता जुलता है। अच्छा? हाँ, इच्छाधारी नाग कनिष्क, जिसने नागमणि के जंग में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मैं कनिष्क नहीं कालक्ष हूँ और वैसे भी मैं कोई इच्छाधारी नाग नहीं हूँ। तो फिर हो कौन तुम? शक्तियों की इतनी लालच तो सिर्फ नागों को ही हो सकता है। नागों से भी लालची एक और प्राणी मैं वही हूँ। मैं एक इंसान हूँ। आज से 50 साल पहले जब मैं सच में जवान था तब मैंने काल का बहुत कठोर तपस्या किया और उसी के फलस्वरूप मुझे यह महाबलशाली अंगूठी और एक जादुई अंगना मिला। इस अंगूठी को जो भी पहन के रखेगा उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, ठीक जैसे मेरी भी नहीं बढ़ती। और इसी के बदौलत मैं रूप बदलने से लेके कई और काली शक्तियों का मालिक बन चुका। तो तुम्हारी नजर नागमणि पे कैसे पड़ी? क्योंकि मुझे और शक्तिशाली बनना था। इन शक्तियों की लालच बहुत बुरी है दंशिका, कभी खत्म ही नहीं होती। इस मणि के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितनी मासूम जाने ले ली, पर बाद में पता चला कि मणि तो कहीं और ही था और इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी जादुई आईने में ढूंढा। और आज देखो इस मणि को हम दोनों ने मिलकर हासिल कर ही लिया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, कनिष्क और तुम्हारा क्या रिश्ता है? बस यही कि हम दोनों एक दूसरे के हमशक्ल हैं। वैसे सच कहूं तो मैंने जब पहली बार कनिष्क को देखा मुझे लगा ये कोई बहरूपिया है, पर बाद में पता चला ये बस एक बेचारा नाग और हमारा एक जैसा दिखना बस एक इत्तेफाक। मैंने इसी का फायदा उठा लिया और नागमणि तक पहुंच गया। पर जो भी कहे नागमणि हासिल करने का सफर आसान नहीं था। क्या हुआ, काल प्रसन्न पूजा नहीं करवानी? वैसे कालक्ष, अगर ये नागमणि मेरे हाथ लगी है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से, और तुमने मुझे मेरी काली शक्तियां भी प्रदान की है तो इसीलिए मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। दो? तुम जैसे खूबसूरत बलागर दे तो मुझे मौत भी मंजूर है। तोहफा कभी बाएं हाथ से नहीं लेते। चलो वो भी मंजूर। Yeah!
अरे तू तो अपने असली रूप में आ गया बुढ़ा। मैंने तुझे शक्तियाँ प्रदान की और तूने मेरे साथ ये किया। क्यों? तूने ही तो कहा था कि मैं दूंगी तो मौत भी मंजूर। मैंने पहले भी कहा था इस नागबनी पे हजारों जाने कुर्बान। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरा अंत ऐसे भी हो सकता है। शायद किसी ने सच ही कहा था। डर ना तो तुझे चाहिए भोलेनाथ से, वो तुझे अपने कर्मों की सजा जरूर देंगे। आज उस भोलेनाथ ने मेरी किस्मत में इतनी दर्दनाक मौत लिखा था। तू भी देख ले दंशिका, तेरा भी दिन जरूर आएगा और तुझे मुझसे भी भयानक मौत मिलेगी। के बाद इन हाथों ने किसी की जान ली है, पर शैतान का असली खेल तो अब शुरू होगा। से भी भयंकर और भय से भी काली काल दंशिका। क्या रे नागमनी, सदियों से तू कितनी सारी हाथों में घूमता आ रहा है, पर देख आज तू काल दंशिका के हाथों में आके ठहर गई। अब सिर्फ एक काल प्रसन्न पूजा की देरी है और उसके बाद तेरी सारी पवित्र शक्तियाँ काल दंशिका की काली शक्तियों में बदल जाएगी। हे काल के सम्राट कालेश, काल दंशिका आपको ये महाशक्तिशाली नागमणि समर्पित करती है। कृपया इस पे अपनी काल दृष्टि डालिए और इसकी तिलस्मी शक्तियों को काली शक्तियां बना दीजिए। हम तुम्हारे साहस और चतुराई से मुग्ध हो गए हैं काल दंशिका। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और अगर आप प्रसन्न हुए हैं तो कृपया मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। इस नागमणि को हासिल करने के लिए तुमने जो कुटिल नीति और होशियारी दिखाई है वो प्रशंसा के योग्य है, और इन पवित्र शक्तियों को काली शक्तियों में तब्दील करने के लिए तुम्हें एक और आखिरी पड़ाव पार करना होगा। नागमणि की शक्तियाँ पाने के लिए मैं हर पड़ाव पार करने के लिए तैयार हूँ। बोलिए क्या करना पड़ेगा मुझे? तुम्हें एक इंसान की बलि चढ़ानी होगी। क्षमा कीजिएगा कालेश, पर मैंने सोचा था कोई मुश्किल चुनौती सामने आएगी, पर बलि? हुकुम करे तो इधर हजार लाशों की नुमाइश बिछा दूं। तुम जितना सोच रही हो ये कार्य उतना आसान नहीं है। मतलब? तुम्हें किसी ईमानदार इंसान के शरीर में 7 दिन यानी अगली पूर्णिमा तक अपनी जहर भरनी होगी और उस इंसान को अपने होश में रहकर बिना कुछ बोले वो जहर ग्रहण करना पड़ेगा। फिर?
आखिर 7 दिन बाद पूरन मासी के चांद के सामने तुम्हें उस इंसान की बलि चढ़ानी पड़ेगी और उसके खून से इस नागमणि का अभिषेक करके तुम इसको कालमणि में तब्दील कर पाओगी। और कालमणि की काली शक्तियों से मैं सर्वशक्तिशाली बन जाऊंगी। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो। ईमानदार इंसान जो होश में भी रहेगा और बिना कुछ बोले मेरा जहर भी लेगा, मेरी नजर में तो ऐसी सिर्फ एक ही है, मासी कालुंचिका आ रही है। मासी जल्दी से ठीक हो जाओ ना आप। कल दोपहर को आपका एक्सीडेंट हो गया और पता है रात को नानू की भी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, इसीलिए तो छोटे को मिडनाइट में ही शांतिपुर के लिए निकल जाना पड़ा। और उधर शिवाली भी गायब है कल से। आई मीन सीरियसली, इधर अकेले बैठ के और कितना टेंशन लूं मैं। छोटे हेलो। हेलो ब्रो। हाँ छोटे, नानू की तबीयत कैसी है अभी? अभी स्टेबल है, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। थैंक गॉड। मासी कैसी है अभी? वैसे ही सेम, नो रिएक्शन। क्या बताऊं? अरे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? ये एक हफ्ते नानू के लिए थोड़ा क्रूशियल है, अब इधर कोई है नहीं तो मुझे शायद इधर रुकना पड़ेगा। ओ, वैसे मम्मी पापा को कॉल किया था? हाँ, उन्होंने कहा कि अभी अचानक सिंगापुर से चले आना पॉसिबल नहीं है। पता है, बिजनेस टाइकून से ना, बिजनेस संभालते हैं, घर संभालना कहाँ आता है उन्हें। कम ऑन ब्रो। और बाय द वे, शिवाली वापस आई? अरे नहीं यार, अभी तक ना कोई उसकी एक खबर और ना। अरे लगता है वो आ गई, आई विल जस्ट कॉल यू बैक। कहाँ थी तुम कल रात से? कुछ काम में फंस गई थी। कैसा काम? तुम्हें क्यों लगता है मैं इसका जवाब तुम्हें दूंगी? कल मासी का एक्सीडेंट हुआ और तुम यहाँ एक रात रुक के मासी का देखभाल किए, उसके लिए थैंक्स, पर अभी तुम्हें जाना चाहिए। और तुम्हारा भाई भी था ना तुम्हारे साथ? इमरजेंसी आ गई थी तो वो कल रात को ही निकल गया। अच्छी बात है, तो अब तुम्हें भी निकलना चाहिए। ये तुम ही हो ना? क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं, कैमरे का बैग अंदर है, एटलीस्ट वो लेकर आता। माफ कर देना मासी, मैं पास रह के शायद आपका ध्यान नहीं रख पाऊंगा, पर वादा करता हूं लौट के जरूर आऊंगा और कैसे भी करके आपका वो हंसता हुआ चेहरा वापस लाऊंगा।
मासी मासी यार ऐसे कैसे चलेगा, हम सब जाग जाग के परेशान हैं और आप कल से घोड़े बेच के सो रहे हो, अब तो उठ ही जाओ मासी। अरे इतनी हंसी, सोचा नहीं था ना कि वापस कभी आंखें भी खोल पाओगे। अरे ये क्या, इतनी जल्दी हंसी गायब भी हो गई, फिर मेरा असली चेहरा देखोगी तो क्या करोगी? मैं तुम्हारी शिवाली नहीं, कालदंशिका हूँ। तुम्हारी शिवाली तो कब की मर चुकी है। अरे अरे रो मत, तुम्हें भी जल्दी उसके पास भेज दूंगा, बस 7 दिन का वक्त दे दो। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है, वो कालक्ष जिसने तुम्हें छत से फेंका था, मैंने उसे इस दुनिया से ही बाहर फेंक दिया। फिर सोच सकती हो ना कि मैं इतनी ताकतवर हूँ। जो भी हो, बातें बहुत हो गई, अब थोड़ा काम कर लेते हैं। अरे अरे मरी नहीं हो, अभी भी जिंदा हो। ये तो पहला दिन था, अब अगले 6 दिनों तक हर रोज ऐसे ही प्रसाद मिलता रहेगा। फिर 7वें दिन बलि चढ़ेगी। कितनी अजीब बात है ना, वक्त कैसे सब कुछ बदल देता है। बस 1 हफ्ते पहले हम में से हर कोई कितना खुश था, फिर उस एक हादसे ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। नहीं, शिवाली चाहे कितनी भी बदल जाए और चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, मासी से तो मैं मिलकर रहूंगा। मुझे उनसे किया हुआ वादा जो पूरा करना है। किसी अपने को याद कर रहे हो? कैसे पता चला? गौरी को सब पता चल जाता है। अच्छा, तो गौरी है तुम्हारा नाम? हाँ, और तुम्हारा? सौविक। चलो अब तो हम दोस्त हैं, तो दोस्त तुम मुझसे अपने दिल की बात कह सकते हो ना? कह तो सकता हूँ, पर तुम समझोगी नहीं। अरे बता कर तो देखो, गौरी सब कुछ समझती है। ठीक है, तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाता हूँ। मेरी एक मासी है जिनसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। एक दिन उनको बहुत गहरी नींद आई और वो सो गई, और तब से वो आंखें नहीं खोल रही। क्यों? क्योंकि सोने से पहले उनको बहुत गहरी चोट आई थी, और जब तक उस चोट का दर्द खत्म नहीं हो जाता वो जाग नहीं पाएंगी। अरे
इतनी सी बात पे दुखी हो रहे हो? मेरे पास इसका इलाज है, इसमें शिव जी का आशीर्वाद है। इसमें तो पानी है। अरे बुद्धू, इस पानी में ही तो उनका आशीर्वाद है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? एक बात याद रखना, कोई भी इलाज विश्वास से बढ़कर नहीं होती। गौरी क्या कर रही हो? छोड़ो उसे। क्यों? ये मेरे दोस्त को डसने आ रहा था और मैं इसे छोड़ दूं? गौरी मैं मजाक नहीं कर रहा, इट्स डेंजरस। तुम्हें पता ही है, तुम्हें डस लेगा तो क्या हो सकता है? इसकी इतनी हिम्मत कि ये मुझे डसेगा? चल, मेरा दोस्त कह रहा है इसलिए तुझे जाने दे रही हूँ। अगली बार आया ना तो देखना कैसे मजा चखाती हूँ। देखा कैसे धूम दबा के भाग गया? तुम पागल हो? सांप को ऐसे कोई हाथों से पकड़ता है क्या? फिर पैरों से पकड़ते हैं क्या? चलो बहुत हो गया हंसी मजाक, अब मासी के पास जाके उनको शिवजी का आशीर्वाद भी देना है ना। तुम सच में चलोगी उनके पास? हाँ, नहीं तो फिर और क्या, जल्दी चलो। अरे क्या हुआ मासी, अभी भी चेहरे पे इतना डर क्यों? पिछले 6 दिनों से तो मेरा जहर पी रही हो, अभी तक तो आदत पड़ जानी चाहिए थी, है कि नहीं? बस एक और दिन की तकलीफ उठा लो, उसके बाद तुम भी खत्म, तुम्हारा दर्द भी खत्म। किस मनुष्य की ये मजाल कि दंशिका के काम में रोक लगाई? इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये किसको लाए हो साथ में? मैं गौरी हूँ। हम दोनों मासी से मिलने आए हैं। तुम लोग अभी उसे नहीं मिल सकते। क्यों? मैंने कहा इसीलिए। देखो शिवाली, मुझे अभी तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। मासी बीमार है इसीलिए हम उनको देखने आए हैं। हाँ, और मैं मासी के लिए शिवजी का आशीर्वाद भी लाई हूँ। ये सब नाटक इधर बिल्कुल भी नहीं चलेगा। चुपचाप अपना रास्ता देखो और मुझे परेशान करना बंद करो। अरे हो क्या गया है तुम्हें? लोगों से कैसे बात करते हैं वो भी भूल चुकी हो क्या? तुम ना मुझे मत सिखाओ कि किससे कैसे बात करनी है। अरे
मासी। बदतमीज लड़की तेरी इतनी हिम्मत, तू ऐसे ही घर में घुस आई। बदतमीज मैं नहीं तू हूँ। एक बच्ची से कोई ऐसे बात करता है क्या? गंदी लड़की। तुझे तो मैं तुम्हें शर्म नहीं आती? एक छोटी सी बच्ची पे हाथ उठाने जा रही थी और मासी का ये क्या हालत बना के रखा है? इतने दिन हो गए और तुमने उनकी साड़ी तक नहीं चेंज की। उससे तुम्हें क्या, वो मेरी मासी है, तुम्हारी नहीं। कैसी हो मासी? अच्छा रुको, के कोई सगे नहीं लगते तो तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो जिंदा रहे या मर जाए। शिवाली ये क्या? मैं तो इसको बेहोश करके गई थी, ये होश में कैसे आ गई? मासी शिवाली को देख के क्यों डर रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है? मैंने इन्हें शिवजी का आशीर्वाद दिया और मासी ठीक हो गई। क्यों? मैं तुझे आखिरी बार कह रही हूँ, तू जा इधर से वरना मैं। मैं तुझे मार डालूंगी। ये लड़की किधर गई? कोई आम इंसान इतनी जल्दी कैसे गायब हो सकता है? वो कहाँ गई? पता नहीं। क्या अच्छा किया भाग गई, वरना आज मैं उसे जान से मार देती। रुको, और तुम भी इधर वापस कभी दिखना मत, वरना तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं होगा। We'll be right back.
पापों का हिसाब अब होगा। जो भी अन्याय करेगा उसे उसकी सजा बराबर मिलेगी। शिव जी का ये संतान वापस आ गई है। इस खौफनाक कहानी का अंत अब मैं लिखूंगी। शिवाली, कौन हो तुम? मैं तुम्हें सब समझा सकती। मैंने पूछा कौन हो तुम? मैं शिवाली हूँ। झूठ, गौरी शिवाली सब झूठ है। असली कोई भी नहीं है। हर किसी को सिर्फ धोखा देना आता है। सौविक, तुम तो मुझे गलत मत समझो। मैं बस तुम्हें आके ही बताने वाली थी कि मैं गौरी नहीं शिवाली हूँ। तो फिर जो मासी के पास है वो कौन है? वो कोई और है जो मेरा ही रूप लेके मेरे ही घर में रह रही है। असली शिवाली मैं हूँ। बस, कोई नहीं है शिवाली, ना तुम, ना वो, ना कोई और। क्योंकि असली शिवाली आईने की तरह साफ थी, तुम जैसी झूठी, मक्कार और धोखेबाज नहीं। इतना भरोसा करते हो उस पे? तुम्हें कैसे पता कि वो धोखेबाज नहीं थी? अरे, क्योंकि मैं उससे प्यार करने लगा था। उसका चेहरा चमकता सूरज जैसा था, किसी के भी अंधेरे दिल को पल में रोशन कर देती थी। वो जब हंसती थी ना, लगता था जैसे अभी मौसम की पहली बारिश आएगी और हर किसी को भिगो के चली जाएगी। पर मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रहा हूं? तुम तो असली शिवाली हो ही नहीं। क्योंकि तुम अगर असली शिवाली होती तो तुम्हें हमारी हर एक बात, हर एक मुलाकात याद रहती। याद है जब हम पहली बार मिले थे, तुमने मुझे सांप से बचाया था। बचा लो मुझे, उस सांप से बचा लो। नागनागिनों से मेरा बहुत पुराना कनेक्शन है। उस दिन मेरा जन्मदिन था और पहला विश भी तुम ही ने किया था। शिवाली, हैप्पी बर्थडे। जब भी मैं गिरने वाली होती थी, तुमने हर बार मेरा हाथ थाम के मुझे सहारा दिया। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर पल हमेशा मेरे दिल में महफूज रहेंगे, क्योंकि मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। फसाना ये ना हो खत्म, बरसा दो मुझ पे अपना करम। इश्क इबारत है जन्मों जन्म, तेरे बिना जिया नहीं जाए सनम, तेरे बिना जिया नहीं जाए सनम। कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? अब तो वापस आ गई हूँ ना। अब हम दोनों मिलकर हर बुराई का अंत करेंगे। अब हमें और कोई अलग नहीं कर सकता।
तुझसे ही तो पूरे हम। कौन थी वो बच्ची और उस पर नहीं मेरे से क्या था जिसकी वजह से मेरे चेहरे पे इतनी जलन हुई। उस पानी की वजह से ही मेरे साथ ये सब हो रहा है। जल्दी से कालिश को बुला के मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। वैसे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम अगर इधर मेरे पास हो तो मासी के पास रहने वाली वो बहरूपिया कौन है और तुम इतने दिनों तक थी कहाँ? तुम्हारे हर सवाल का जवाब मैं तुम्हें दूंगी, पर इसके लिए एकदम शुरू से शुरू करनी पड़ेगी। मैं एक नागिन हूँ, ये बात मुझे मेरे 20 साल के जन्मदिन में पता चली। फिर मासी ने मुझे मेरे असली माँ बाबा के बारे में बताया और उस दुश्मन के बारे में भी बताया जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। कौन है वो? हम में से ही एक, जो दोस्त के भेष में हर किसी को ठग रहा था, लक्ष। क्या? उसका असली नाम कालक्ष है और वो कोई मामूली इंसान नहीं, एक शैतान था। क्या कह रही हो तुम? अपनी जादुई अंगूठी के बल से उसने बहुत सारे बुरे काम किए हैं। 20 साल पहले मेरे माँ बाबा को भी उसी ने मारा था, और वही था जिसने मासी को छत से गिराया था। और तुम्हें भी? हाँ, मुझे भी उसी ने मारने की कोशिश की थी नागमणि हासिल करने के लिए। अच्छा, इसीलिए वो उस दिन तुम्हारे पीछे गया था? हाँ, मासी को बचाने के लिए मैं शिवजी से नागमणि मांगने गई थी और मुझे वो मिल भी गई थी, पर उस कालक्ष ने धोखे से मुझसे वो मणि छीन ली और मुझे मारने के लिए नागमणि से जानलेवा वार किया। फिर तुम बची कैसे? जिसके पास भगवान होता है उसे कोई भी शैतान हाथ तक नहीं लगा सकता। कालक्ष को लगा था कि मैं मर चुकी हूँ, पर उसे ये नहीं पता था कि नागमणि के वार से कभी गंधर्व वंशी नागों की जान नहीं जाती। मैंने खुद को जमीन में मिला दिया था। हम नाग नागिनों के लिए जमीन माँ समान होती है। उसी जमीन के अंदर एक हफ्ते तक रहकर मुझे और भी कई दिव्य शक्तियाँ मिली, और जब मैं 7 दिन बाद जमीन से बाहर आई तब तक मेरा रूप रंग सब कुछ बदल चुका था। जो भी कहो, भोलेनाथ के आशीर्वाद के बिना ये सब कभी भी मुमकिन नहीं हो पाता। जय भोलेनाथ। कालेश, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। बोलो कालदंशिका, क्या कहना चाहते हो? मुझे लग रहा है कोई मेरे काल प्रसन्न पूजा में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब अभी जो मासी के पास है क्या वो कालक्ष है? नहीं, वो उससे भी बड़ी धोखेबाज दंशिका है। वो कौन है? मैंने अपनी दिव्य शक्तियों से देखा, ये वही नागिन है जिसे हमने जंगल में देखा था। ये बार बार मेरे सामने आती रही और कई बार तो मेरी मदद भी की ताकि मेरा भरोसा जीत सके, और आज देखो उसने मासी का क्या हालत बना के रखा है। पर वो ये सब क्यों कर रही है? नागमणि की शक्तियाँ हासिल करने के लिए। उन्हीं शक्तियों की लालच में उसने कालक्ष को भी धोखे से मार दिया। क्या? हाँ, दंशिका ने मुझसे मेरा बदला छीन लिया। कालक्ष को मार के मैं अपने माँ बाबा और मासी का बदला लेना चाहती थी, पर वो दंशिका कालक्ष को मार के खुद कल दंशिका बन गई। तुम्हारी बातों से मुझे यही लगता है कि किसी ने तुम पे जानबूझ के पवित्र जल छिड़का है ताकि तुम्हारी काली शक्तियाँ धीरे धीरे कम हो जाए और तुम कमजोर पड़ जाओ। ये अब क्या कह रहे हैं कालेश? हाँ, और अपनी सारी काली शक्तियों के बिना तुम कभी भी काल प्रसन्न पूजा नहीं करवाओगी।
नहीं हो सकता कालेश। कोई तो उपाय होगा जिससे मैं उस पपीते जल के असर को खत्म करके अपनी सारी शक्तियां वापस पा सकूं। उसका सिर्फ एक ही उपाय है। पर मासी से उसका क्या लेना देना? लेना देना है। अगले पूरन मासी के दिन यानी काल वो काल प्रसन्न पूजा करेगी और उसी दिन वो मासी की बलि चढ़ाना चाहती है। क्या कह रही हो तुम? ये नहीं हो सकता। हमें कैसे भी करके मासी को बचाना पड़ेगा। मासी को वो हाथ तक नहीं लगा पाएगी क्योंकि उनकी ये बेटी जान दे देगी पर मासी को कुछ भी नहीं होने देगी। पर अब हम करें तो क्या करें? हमारे पास अब पूरा एक दिन भी नहीं बचा। चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच के रखा है और अपना पहला दाव भी खेल लिया है। क्या? आज मैंने जानबूझ के कालदंशिका पे पवित्र जल फेंका है जिसकी वजह से उसकी काली शक्तियाँ धीरे धीरे कम होने लगेगी और इन्हीं शक्तियों को वापस पाने के लिए उसे काल प्रसन्न पूजा से पहले आत्मशुद्धि पूजा करनी पड़ेगी। आत्मशुद्धि पूजा? वो क्या होता है कालिश? कल सुबह सूरज उगने से पहले तुम्हें एक पहर तक काल नाम जाप करनी होगी और काल प्रसन्न पूजा करने तक तुम अपने अंदर से एक भी बूंद जहर नहीं निकाल पाओगे। हमें इसी का फायदा उठाना होगा क्योंकि वो हम में से किसी पे भी वार नहीं कर पाएगी। पर हमें सारा इंतजाम सूरज उगने से पहले करना होगा। इंतजाम तो मैं आसानी से कर लूंगी। आत्मशुद्धि पूजा में कोई भी कमी नहीं होगी। आप निश्चिंत रहिए कालेश। तुम्हारी निष्ठा पे मुझे पूरा यकीन है। पर याद रखना, एक भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। तुम्हारी मनोकामनाएं पूरी हो। क्या मास्टर प्लान बनाया है तुमने? बस भोलेनाथ की कृपा हम पे बनी रहे और हम जैसा सोच रहे सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो जाए। सब कुछ वैसा ही होगा। कल सुबह की पहली किरण उस कालदंशिका के लिए मौत का पैगाम लेकर आएगी। माया है ये कुदरत की। ये सूरज की किरणें जो पूरी दुनिया को रोशन करती है आज आए हैं मेरे अंदर के अंधेरों को और गहरा करने। कालेश, मेरी आत्मशुद्धि पूजा समाप्त हुई और मुझे मेरी शक्तियाँ भी वापस से महसूस होने लगी है। अब नीचे जाके मासी को एक आखिरी बार मेरा जहर पिलाऊंगी और रात को बलि चढ़ाऊंगी। फिर ये नागमणि हमेशा हमेशा के लिए मेरी मुट्ठी में।
बापे, ये कांच कैसे टूटी? अब तू भी टूटेगी, इससे भी बुरी तरह। तू अपने पैरों पे खड़ी कैसे हो गई? देख दुंशिका देख, आज मेरे कदम चलेंगे और तेरी सांसें रुकेगी। लगता है पैरों के साथ साथ जुबा में भी काफी ताकत आ चुकी है। कहती है तो काट के हाथ में दे दूं? जंगल की जानवर अमर जीवन काट भी। आए आए देखी तेरे को तो हिम्मत। आए आज तो तू गई। तेरी इतनी हिम्मत? दिमाग हिल गई ना? ओह, भूल गई थी, तेरी तो दिमाग ही नहीं है। सूरज डूबने से पहले मैं तुझे मार नहीं सकती, पर तड़पा जरूर सकती हूँ। आशीर्वाद और तेरे लिए अभिशाप। बेवकूफ बुढ़ी, एक नागिन से बच के कितनी देर भागेगी? अभी तुझे पकड़ के तेरी औकात दिखाती हूँ। एक बार देख तो ले, हाथ कहाँ पे रखा है? बड़ी गर्मी चढ़ी थी ना तुझे, अब भाग भाग। मासी, अपनी औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए। एक मामूली इंसान होके नागिन से पंगा नहीं लेना चाहिए। क्या हुआ बुढ़ी, डर गई?
नागिन है? हाँ, और तेरी मौत भी। मासी, मासी उठो ना, उठ जाओ मासी। डरो मत मासी, मैं आपकी शिवाली हूँ। शिवाली, तुम जल्दी से मासी को पूरा ठीक कर दो। अब वो कालदर्शी का कुछ नहीं कर पाएगी। शिवाली, हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि वो कालदर्शी का अभी अपना पूजा खत्म करके नीचे आ जाएगी। अब उस कालदर्शी का के शिवाली नहीं, मासी मजा चखावे। क्यों कालदंशिका, अपनी दोस्त को देखकर जरा सा भी खुशी नहीं हुई? वैसे हम लोग कल ही मिल चुके हैं, गौरी याद है ना? मैं गौरी हूँ, मैंने इन्हें शिव जी का आशीर्वाद दिया और मासी ठीक हो गई। तू जा इधर से वरना मैं। तो वो तू थी उसके भेष में, पर तुझे तो कालक्ष ने मार दिया था ना? भोलेनाथ की संतान हूँ मैं, मुझे मर सके इतनी शक्ति उस शैतान के पास कहाँ थी? और इसीलिए तो वो तेरे जैसे धोखेबाज के हाथ बेमौत मारा गया। अरे वाह, सब कुछ पता करके आई है, तू तो बड़ी तेज निकली। कालक्ष मेरा बदला था, उसे मार के मुझे अपनी माँ बाबा और मासी का बदला लेना था, पर वो शुभ काम तो मैंने कर लिया। इसीलिए तो तुझे आज दोगुना ज्यादा दर्द तक मौत दूंगी। तूने इतने दिनों से मेरी मासी को भी बहुत तड़पाया था ना, उसका भी हिसाब चुन चुन के करूंगी। कितनी भोली है रे तू, ये भी भूल गई मेरे पास अभी कौन सी शक्ति है। और इसके वार से इस बार तू बच नहीं पाएगी। वार करना करना वार। पर उससे पहले आत्मशुद्धि पूजा का नियम याद कर लेना एक बार। काल प्रसन्न पूजा करने तक तुम अपने अंदर से एक भी बूंद जहर नहीं निकाल पाओगे। तो तूने सब कुछ जान के ये जाल बिछाया है? हाँ, पर आखिरी दाव तो अभी खेला भी नहीं।
अपने हाथ में जो नागमणि है उसे एक बार ठीक से देख तो ले। क्या मतलब, क्या किया है तूने नागमणि के साथ? नजर हटी, दुर्घटना घटी। अरे हम तो बस तेरा ध्यान भटका रहे थे। बहुत चालाक और ताकतवर समझती है ना तू? शिवाली का रूप लेके घूम रही थी। अरे तू तो उसके पैर की धूल बराबर भी नहीं है। बहुत चिल्ला रहा है ना तू? पहले तुझे ही निपटा लेती हूँ। तूने सोच भी कैसे लिया कि मेरी रहते हुए तू उसे हाथ भी लगा पाएगी? वाह, इतनी मोहब्बत! चल दोनों को साथ में ऊपर पहुंचाती हूँ। एक दोस्त के रूप में अपना बन के मुझे ठगा था ना, अब देख अपनों की चोट से कितनी दर्द होती है। मेरे अपने ही नाग मुझे ही क्यों डस रहे? तुझ जैसी डायनों का कोई भी अपना नहीं होता। मेरी मासी को बहुत तड़पाया था ना तूने, अब कैसा लग रहा है? देख कालदंशिका, उस भोलेनाथ की माया ऐसी ही होती है। तू जो भी बोएगी ना, वो इसी एक ही जिंदगी में काटना भी पड़ता है। तू अब तक बहुत सारों की जिंदगी में जहर घोल चुकी है, इसीलिए आज देख अपने ही जहर से खुद कैसे तड़प रही है। मेरी शक्तियों का अंदाजा भी नहीं है तुम लोगों को। मैं तुम लोगों को इससे भी ज्यादा तड़पाऊंगी। बड़ी घमंड है ना तुझे अपनी शक्तियों पर। शिवाली, इससे इसकी सारी शक्तियां छीन लो। नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तू जैसे शैतानों के साथ हम जितना कुछ भी कर लेना वो कम है। अब तू भी देख कैसे तेरी काली शक्तियां अच्छाई के आगे माथा टेकती है। अब तू भी एक इंसान ही बन चुकी है।
काल दंशिका। माफ कर दो, तुम लोग तो अच्छाई की तरफ हो ना, मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है, माफ कर दो। तूने कोई गलती नहीं की है, अरे तूने तो महापाप किया है। एक नागिन होके तूने शिव जी की धरोहर इस पवित्र नागमणि का अपमान किया है। तू तो नागों के नाम पे कलंक है और पाप करने वालों को माफी नहीं मिलती, उनको मिलती है सजाए मौत। आज एक बार फिर अच्छाई की जीत हुई है और कालदंशिका को तुमने ठीक वैसी ही मौत दी है जिसकी वो हकदार थी। तो अब मासी के पास चले, वो घर में हमारा इंतजार कर रही होगी। मेरा एक काम अभी भी बाकी है। मतलब? मुझे ये नागमणि शिवजी को समर्पण करनी है। और क्या? मुझे मेरे नाग रूप को त्याग करके एक इंसान भी बनना है। क्यों? तुम्हें शायद पता नहीं है, पर एक नागिन और एक इंसान कभी साथ नहीं रह सकते। पर शिव जी ने एक मकसद के लिए मुझे यह नाग रूप दिया था, जो कि आज पूरी हो गई है। अब मैं ये सब कुछ भुला के तुम सबके साथ एक इंसान बन के जीना चाहती हूँ। तुम दोगे ना मेरा साथ? आशीर्वाद से आज मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा किया है। आज एक बार फिर बुराई की हार और अच्छाई की जीत हुई है। बस दिल में एक ही रंजिश बाकी रह गई, मैं अपनी माँ बाबा की असली कातिल उस कालक्ष को अपने हाथों से सजा नहीं दे पाई। आज अगर वो कालक्ष जिंदा होता तो मैं उसे दिखाती कि काल के ऊपर महाकाल कैसे भारी पड़ता है।
जिस काम के लिए मुझे यह नागयोनी का वरदान दिया था आज वो पूरा हो चुका है। इसीलिए अब मैं पूरे श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे इस नाग रूप का त्याग करना चाहती हूँ। अब मैं एक इंसान बनके मेरे अपनों के साथ जीना चाहती हूँ। कृपया मुझे मेरी नाग रूप त्याग करने की आज्ञा दे और ये आशीर्वाद दे कि अब चाहे कोई भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं अपने इंसानी रूप में रहकर पूरे साहस के साथ उसका सामना कर सकूं। शिवाली, क्या अब तुम? हाँ, अब मैं पूरी तरह से एक इंसान बन चुकी हूँ। अब हमें एक होने से और कोई नहीं रोक पाएगा। मतलब अब तो मैं तुम्हें पूरी तरह से प्यार कर पाऊंगा ना? अरे तुम्हारे दिमाग में और कुछ चलता भी है या नहीं? मुझे पहले जाके शिव जी के पास ये मनी लौटानी है, फिर पूरे पागल हो तुम। साथी मेरे, मेरे सनम, तुझसे ही तो पूरे हैं हम। साथी मेरे, तुझसे ही तो पूरे हैं हम। संभल के कहां ले जा रहे हो मुझे? अरे चलो ना। थ्री टू वन। बस मेरे रहो मेरे सनम, दिल का फसाना पे अपना करूं। इश्क इबादत है जन्मों जन्म, तेरे बिना जिया नहीं जाए सनम, तेरे बिना जिया नहीं जाए सनम। ब्रो अच्छा तो यार ये सब चल रहा है और मैं बेचारा सोच रहा था कि आप मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे। ए, कल सुबह ही तो बात हुई थी ना कॉल पे, तब तो तूने बताया नहीं कि तू आ जाने वाला है। और हाँ, ऐसे बिना बताए अचानक कैसे चला आया तू? उफ, अब आप ऐसे सवाल ही करते रहोगे या आकर अपने छोटे को गले भी लगाओगे?
घंटे? ये कैसा मजाक है? क्यों मजा नहीं आ रहा? मुझे क्या कर रहे हो, उसे छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ दो? कैसे छोड़ दो? अभी तो खेल शुरू हुआ। मेरा स्वागत नहीं करोगे ब्रो? आज तू खुद यहाँ नहीं आया है, तुझे तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है। अच्छा, तेरी दुश्मनी मुझसे है, उससे नहीं। उसे अभी छोड़ दे, वरना वरना क्या क्या करेगी तू मामूली इंसान? खुद ही देख ले। क्या हुआ, छौक गई? कितनी भुलक्कड़ है रे तू। अभी अभी इस मनी से उस कालवंशिका को मार के आई, अभी कुछ देर के लिए तो ये ठंडी पड़ी जाएगी ना। अभी कुछ देर तो लगेगी इसको फिर से जागृत होने में, और तब तक ये सिर्फ मामूली इंसानों को घायल कर सकती है, मुझ जैसे शैतान को नहीं। उसे कुछ मत कहना। ठीक है, जैसा तू कहे। फिर मुझे नागमनी दे दे और इसे बचा के ले जा। नहीं शिवाली, ये चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले ले, तुम इसे नागमनी कभी मत देना। ये नागमनी भोलेनाथ की अमानत है, ये इस जैसे शैतान के हाथ कभी नहीं लग सकता। ये हालत देख इसकी, बस दो और झटके दूंगा फिर ये सीधा ऊपर तेरे भोलेनाथ के पास। यही चाहती है क्या तू? नहीं। दे दू क्या आखिरी झटका? नहीं। शिवाली, ये मनी लेके भाग जाओ, तुम्हें मेरी कसम, भागो। इसीलिए बोला था कि बिना झमेला किए नागमणि मेरे हवाले कर, लेकिन नहीं, दोनों को तो महान बनना था, अब मरो। नागमणि तो जिसे मिलनी थी उससे ही मिले।
ही तो पूरे हैं हम। मनी से उस काजनशिका को मार के आई, अभी कुछ देर तो लगेगी इसको फिर से जागृत होने में। कालक्ष, नागमणि में तो शक्ति वापस आ चुकी है और अपने अंगूठी के बिना अब तो तू भी एक मामूली इंसान ही है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हमसे भोलेनाथ करवा रहे हैं। देख उनकी माया, एक बार मरने के बाद भी तुझे दोबारा लौटाया है ताकि तू हमारे हाथों खत्म हो सके। बच्ची काजिश करनो, आज मेरा इंतकाम पूरा हुआ मासी। उस कालक्ष ने मेरे माँ बाबा को बहुत बेरहमी से मारा था। उसे आज एक दर्दनाक मौत देके मैंने अपने माँ बाबा की आत्मा को शांति दिया। तू
मासी, आज अगर आप यहाँ सही वक्त पर नहीं आती ना, तो क्या होता वो हम लोग सोच भी नहीं सकते। अरे पागली, मैं एक माँ हूँ ना, बच्चों को मुश्किल में देख के अभी कैसे नाइसे थाकते पड़ता। अरे इधर आप लोग, मैं कब से आप लोगों को ढूंढे जा रहा हूं। क्या हुआ ब्रो, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं ये भी तो ऐसा मत बोलो, ये असली उज्जल भी तो हो सकता है ना। आप लोग क्या बातें कर रहे हो? अरे मुझे आके हक तो करो। अब आप ऐसे सवाल ही करते रहोगे या कर अपने छोटे को गले भी लगाओगे? क्या हुआ ब्रो, एवरीथिंग इज ऑल राइट? अभी तू आ गया है ना, अब सब सही होगा। पर ब्रो ये खून कैसा है? अरे तू वो सब छोड़, तू बता तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे सिर्फ मैं नहीं आया हूँ, मेरे साथ कोई और भी है। अरे इधर आओ। तू उस पेड़ को क्यों बुला रहा है? अरे वो पेड़ के पीछे। हाय ब्रो। इसको लेके आया है साथ में? अरे मैंने सोचा आपका हो गया तो मैं भी कर लेता हूँ। क्या हो गया है ब्रो, खून शूट चल रहा था कोई? हाँ। हाय गाइस, मैं महक, ब्रो की सिस्टर। और मेरी खाने बैठ कर ही हंसोगे ना, घर भी चलोगे? आज ना टेस्टी टेस्टी खाना बनाऊंगी। चलो चलो जल्दी चलो। अच्छा चलो चलो चलो। रुको, मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ। नागमणि की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई चाहे कितनी भी रफ्तार क्यों न पकड़ ले, पर अपने कर्मों से कभी भी भाग नहीं पाता है। जैसे सुबह की किरणें रात के अंधेरे को एक पल में मिटा देती है, ठीक वैसे ही अच्छाई के एक ही वार से पाप का पहाड़ टुकड़ों में बिखर जाता है। न्याय और धर्म के पथ पर चलने वाला हर जीव महाकाल का संतान होता है, इसीलिए जब भी उन पे गुनाहों का अंधेरा छाने लगता है, तब तब महाकाल एक पवित्र शक्ति का आवाहन करके अपने संतानों की रक्षा करते हैं। क्योंकि कण कण में शिव है, हर एक क्षण में शिव है, और शिव की शक्तियों का एक निरंतर प्रतीक है नागमणि। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं नागमणि।
से ही तो